आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कुछ समय और फिर पता चलेगा क्या है देश का जनादेश। दोपहर बाद से आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। मतगणना के बाद हिंसा को देखते हुए अलर्ट। चुनाव आयोग ने कहा मतगणना पहले से तय प्रोसेस के तहत। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में एनडीए को बढ़त। एनडीए को 230 सीटें तो यूपीए को 195 से ज्यादा। एग्जिट पोल में मोदी को प्रधानमंत्री बनता देख पाकिस्तान में हुए हाल खराब। दूध के दाम पहुंचे 190 रुपए लीटर। और अंतरिक्ष में भारत की एक और छलांग। सीमाओं का निगेह बाद रिसेट टू बी अंतरिक्ष में हुआ लॉन्च। नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा 2019 के चुनाव का जनादेश क्या होगा ये कुछ समय में पता चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल्स में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। मतगणना के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की घटनाओं की आशंकाओं को देखते हुए गृह मंत्रालय सतर्क हो गया है। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अलर्ट कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून एवं व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बरकरार रखने को कहा है। एग्जिट पोल ने जिस तरह से संकेत दिए हैं उसे विपक्ष के कई नेता पचा नहीं पा रहे हैं और उन्होंने सरेआम हिंसा तक की धमकी दे डाली है। वोटों की गिनती में बाधा पैदा करने और हिंसा भड़काने को लेकर कई जगहों से आ रही खबरों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने कड़े कदम उठाए हैं और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अलर्ट कर दिया गया है। मंगलवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान पर बवाल मच गया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई तो हिंसा और हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। बुधवार को बक्सर के निर्दलीय नेता रामचंद्र यादव ने नतीजों के बाद खून खराबे की धमकी दी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आपके उम्मीदवार भी अगर जीतते हैं और वीपी पैट ईवीएम का मिलान नहीं होता है तब भी हमारी मांग ये है कि चुनाव रद्द होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग ऐसे हालात तैयार कर रहा है जिसमें दंगे हो सकते हैं। इन सारे बयानों से साफ है कि विपक्षी पार्टी के कुछ नेता परिणामों को लेकर बौखलाए हुए हैं। इस बार भी चुनाव में मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच है। इन दोनों बड़े नेताओं ने जनता से तमाम लोक लुभावने वादे किए हैं। अब देखना है कि जनादेश क्या है। बीपी पैट को लेकर चुनाव आयोग ने मतगणना के पहले विपक्षी दलों की गई मांग को खारिज कर दिया गया है। आयोग की बैठक में यह फैसला लिया गया है और इसके बाद अब लोकसभा चुनाव की मतगणना पहले से तय प्रोसेस के तहत ही होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। नतीजों के पहले विपक्षी दल लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मंगलवार को देश की करीब 22 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक की। इसमें ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। चुनाव आयोग से मुलाकात करके ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होने से पहले रैंडम तरीके से चुनी जाने वाली वीपीपैट मशीन की पर्चियों की गणना करने की मांग की। आयोग से मुलाकात में सौंपे गए ज्ञापन में विपक्षी नेताओं के वीपीपैट पर्चियों की गणना में गड़बड़ी पाए जाने की दशा में नए सिरे से पूरे निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने या पूरे निर्वाचन क्षेत्र की वीपीपैट पर्चियों की गणना कराने की मांग की। इसके अलावा ईवीएम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के मामले को भी प्रमुखता से रखा। चुनाव आयोग ने की बात पर बुधवार को बैठक में चर्चा की और अंत में तय किया गया कि मतगणना में इस तरह की कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी और पुराने तरीके से ही मतगणना होगी। विपक्षी दलों द्वारा
ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग से की गई मुलाकात पर भाजपा के निशाना साधा। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शुरुआती 2-3 चरणों तक विपक्ष चुप रहा, लेकिन फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया। विपक्षी अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष अब बौखलाहट में ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। तमाम एग्जिट पोल्स के बाद कांग्रेस का अपना एग्जिट पोल सामने आया है। इसके मुताबिक बीजेपी 200 से नीचे सिमट जाएगी और एनडीए 230 सीटों पर रुक जाएगा, जबकि कांग्रेस अकेले 140 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पार्टी के सर्वे में यूपीए 195 से अधिक सीट जीत रहा है। मजे की बात यह है कि इस पोल में भी एनडीए को यूपीए से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। पार्टी के इस आंतरिक सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को उम्मीद है कि यूपीए तमिलनाडु केरल और पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस बिहार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात झारखंड और हरियाणा में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का मानना है कि यूपीए बिहार में 15 महाराष्ट्र में 22 से 24 तमिलनाडु में 34 केरल में 15 गुजरात में 7 कर्नाटक में 11 से 13 पश्चिम बंगाल में 2 मध्य प्रदेश में 8 से 10 हरियाणा में 5 से 6 राजस्थान में 6 से 7 सीटें जीतेगी। इसके अलावा यूपीए उत्तर प्रदेश में 5 दिल्ली में 2 पंजाब में 9 चंडीगढ़ की सीट छत्तीसगढ़ में 9 ओडिशा में 2 तेलंगाना में 2 जम्मू एवं कश्मीर में 2 हिमाचल प्रदेश में 1 गोवा में 1 झारखंड में 5 उत्तराखंड में 2 पूर्वोत्तर के राज्यों में 9 से 10 असम में 6 अरुणाचल प्रदेश में 1 मेघालय में 2 और नागालैंड में 1 सीट पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस ने यह आंकड़े देश के अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में मौजूद अपने 260 पर्यवेक्षकों राज्य के प्रभारियों और स्थानीय नेताओं को इकट्ठा करके की है। कांग्रेस को दक्षिण भारत से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है, जबकि उत्तर भारत में उसे पिछली हार से अच्छा प्रदर्शन करने का अनुमान है। एग्जिट पोल में मोदी सरकार के बनने की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान के होश फाकता है। पाकिस्तान को डर है कि यदि मोदी दोबारा सत्ता में आते हैं तो यह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एग्जिट पोल आने के बाद पाकिस्तान में करीब 88% लोगों ने गूगल पर मोदी को सर्च किया है। भारत के एग्जिट पोल के नतीजों के बाद पाकिस्तान के लोगों में मोदी की दहशत छा गई है। खासतौर पर बालाकोट हवाई हमले के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ये कबूल नहीं कर पा रही है कि भारत ने घर में घुसकर उसे मारा है। अंतर्राष्ट्रीय नेता भारत के साथ खड़े हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना को डर है कि अब यदि पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत हुई तो चीन भी उसका साथ नहीं देगा। उधर बीते 9 महीनों में ही पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जनता का विश्वास खो चुके हैं। महंगाई ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। दूध 190 रुपए लीटर, सेब 400 रुपए किलो, संतरा 300 रुपए किलो में बिक रहा है। शक्कर गुड़ मसालों के दाम में भी कम से कम 10 से 20 फीसदी का इजाफा हुआ है। व्यापारियों का बाजार से विश्वास उठ गया है। लोगों ने खरीदारी कम कर दी है। बाजार से लोग जरूरत भर का सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिरती जा रही है। एशिया की सबसे खराब करेंसी का तमगा पाकिस्तान को मिला है। इसका दाम नेपाली मुद्रा से भी कम हो गया है। आलम यह है कि एक भारतीय रुपया खरीदने के लिए पाकिस्तान को 2 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में लोग खुलेआम इमरान खान को कोस रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि इमरान खान उनके गले की हड्डी बन गए हैं। उन्हें सियासत का कोई तजुर्बा नहीं है। महंगाई को काबू करने में वो पूरी तरह से विफल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा देश में एग्जिट पोल बंद होना चाहिए। एग्जिट पोल के चलते सेंसेक्स में उतार चढ़ाव से सट्टेबाजी होती है, जिसमें आम लोग फंस जाते हैं। अब कांग्रेस नेताओं को ईवीएम के बाद एग्जिट पोल में भी खराबी नजर आने लगी है। जनसंपर्क मंत्री ने कहा देश में एग्जिट पोल बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा एग्जिट पोल के कारण सट्टेबाजी होती है और जनता का पैसा डूब जाता है। कल जब परिणाम आएंगे तो लोगों का पैसा डूब जाएगा। ये उतार चढ़ाव बीजेपी के व्यापारियों की देन है और ये गारंटी है कि कल के बाद ये एग्जिट पोल फेल होंगे और एग्जिट पोल और एग्जैक्ट में माइनस नरेंद्र मोदी माइनस एनडीए सरकार में। ये सब एग्जिट पोल, मैं तो यहाँ तक कहूँगा ये एग्जिट पोल बंद होना चाहिए। इसमें सेंसेक्स का उतार चढ़ाव करके ये इसमें वो होती है सट्टेबाजी और आम लोग जो इसमें कहीं फंस जाते हैं बर्बाद हो जाते हैं। ये केवल सेंसेक्स का है
कि उन्होंने बीजेपी बताया 3000 करोड़ चला गया, कल जैसे ही ये आएगा तो ये सब डाउन हो जाएगा, बहुत से लोग इसको फिर जाएंगे। ये बंद होना चाहिए क्योंकि ये केवल इनका बीजेपी के जो बिजनेसमैन है उसका खड़ा हुआ ही प्रॉब्लम। इस बार अगर एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में आता है तो शायद पीसी शर्मा ऐसी बात नहीं करते। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उन्होंने यह बात कभी नहीं कही। पीसी शर्मा शायद यह नहीं जानते कि उनकी पार्टी कांग्रेस ने भी खुद के आंकलन के लिए एग्जिट पोल करवाती है। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने फिर कहा कि कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस झूठ बोल रही है। मिश्रा ने कहा लोकसभा चुनाव के परिणाम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। विपक्षी नेता नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कमलनाथ सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। मिश्रा ने कहा किसानों की कर्ज माफी की जगह 2000-4000 की कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। कमलनाथ के शिवराज और गोपाल भार्गव को लिखे पत्रों पर मिश्रा ने कहा पत्र में पूरी बातें असत्य लिख रहे हैं, कमलनाथ पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं, जनता सब जानती है 23 मई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, 24 सीट हारेगी कांग्रेस। उन्हें किसी पे भरोसा नहीं है, उन्हें भारत के संविधान पे भरोसा नहीं है, उन्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, उन्हें न्यायालय पे भरोसा नहीं है, उन्हें इटली पे भरोसा होगा मेरे ख्याल से, तो बाकी किसी पे नहीं। मतगणना को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस को किसी पर भरोसा नहीं है, न संविधान पर और न लोकतंत्र पर। कांग्रेस को ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, उन्हें तो बस इटली पर भरोसा है। लोकसभा चुनाव अभी खत्म ही हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर गुड़बाजी की खबरें आना शुरू हो गई हैं। छतरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेश सिंह चोका ने अपनी ही पार्टी के छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी और उनके साथी पर गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। कांग्रेस में आए दिन गुटबाजी की खबरें सामने आती रही हैं। छतरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेश सिंह चोका ने अपने ही पार्टी के विधायक आलोक चतुर्वेदी पर गाली गलौज करने और जान से मार डालने की धमकी का आरोप लगाया है। राजेश सिंह ने आरोप लगाया है कि पिछली 20 तारीख को एक शादी समारोह में विधायक आलोक चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर उनको धमकाया और गाली गलौज करने लगे, तभी उनके एक साथी ने उनकी कॉलर पकड़कर जान से मारने की धमकी दी। 20 तारीख की घटना है, दोपहर में हम पराचौकी तगेला पर यादव जी के घर में बैठे हुए थे, उस दिन उनके यहाँ शादी का कार्यक्रम था। उसी समय विधायक जी आदरणीय आलोक चतुर्वेदी जी, जगदीश शुक्ला जी और बद्दे चौधरी जी, तीनों लोग, उनको भी वहाँ का निमंत्रण था, वो भी वहाँ पर आए हुए थे। जैसे ही वो लोग गाड़ी से उतरे, हमने आगे बढ़ के दोनों लोगों के का सम्मान किया, पांव छुए, चूँकि अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकले, उन्होंने कहा कि काय राजेंद्र चौका, हमने तुम्हारे बाप के बेला छोरे का, और तुम साले व्हाट्सअप, फेसबुक और पार्टी कार्यालय में बैठक में उल्टा सीधा मुँह चलाते हो, हम तुम्हें देख लेंगे। हमने कहा चाचा इज्जत से बात करो, सार्वजनिक स्थान पे हैं और अच्छा नहीं लगता है कि आप इस तरह से बात करें, और आप सम्मान से बात कीजिए। तो इतने में बद्दे चौधरी जी भड़क गए और उन्होंने गाली गलौज देने शुरू कर दी, जान से मारने की धमकी दी, बार बार हमारी कॉलर को पकड़ने का प्रयास किया। वो तो आदरणीय जगदीश शुक्ला जी ने बीच बचाव किया, हमें बचाया, नहीं तो वो हमें मार भी देते। गाली गलौच और धमकी की शिकायत राजेश सिंह ने एसपी को लिखित में दी है और विधायक से अपनी जान को खतरा बताया है, लेकिन सत्ता पार्टी के विधायक का मामला होने की वजह से एसपी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पार्टी विधायक की छवि खराब करने का आरोप जिला महामंत्री पर लगाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी किसको सही मानती है और किसको गलत। ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है और माननीय विधायक जी से भी मेरी कल चर्चा हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने राजेंद्र सिंह जी को भी यहाँ पर बुलाया था, वो जिला कांग्रेस के महामंत्री हैं, लेकिन ये कुछ एक कतिपय व्यक्तियों के द्वारा उनको बरगलाया जा रहा है। आज मेरी फिर उनसे बात हो रही है, हमारे पारिवारिक वो है, पारिवारिक बातें हैं इसमें, इस प्रकार की कहीं ना किसी प्रकार की कोई शिकायत की गई है और ना किसी प्रकार का उनके द्वारा कहीं प्रताड़ित किया गया है, ना कोई धमकी दी गई है, उनकी छवि खराब करने के लिए साजिश कर रहे हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज।
देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 71.10% मतदान हुआ, जबकि 2014 में कुल 61% मतदान हुआ था। उस हिसाब से देखा जाए तो मतदान के प्रतिशत में 10% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इसे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। मध्य प्रदेश में मतदान का प्रतिशत बढ़ना लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन कई प्रत्याशियों की सेहत खराब कर सकता है। 2019 चुनाव में महिलाओं ने 68.46% मतदान किया, जबकि 2014 में महिलाओं का मतदान 56.52% था। वहीं 73.54% पुरुषों ने इस बार मतदान किया। वहीं 2014 में पुरुषों ने 66.05% मतदान किया था। मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि इस बार 2,21,241 मशीनों का उपयोग चुनाव में हुआ। कुल 3,436 मशीनें मतदान के दौरान बदली गईं। मध्य प्रदेश के 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 71.10% मतदान हुआ है। 2014 में 61.57% हुआ था, तो ये लगभग 9.5% अधिक है पिछले लोकसभा निर्वाचन से। इसमें महिला और पुरुष का यदि हम टर्नआउट देखें तो पुरुष मतदाताओं का जो प्रतिशत है इस बार वो 73.54 रहा, जबकि 2014 में 66.05 रहा। और महिला मतदाताओं का जो टर्नआउट इस बार 68.46 है, जबकि 2014 में 56.52 है। पूरे चुनाव में 2,21,000 मशीनों में से लगभग 3,500 मशीन बदले गए हैं, जो 1.5% है। मध्य प्रदेश में 51 स्ट्रांग रूम है, जहां 70 सुरक्षा कंपनी लगाई गई हैं। कलेक्टर्स ने मतगणना तक प्रतिदिन स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर 14 बिंदुओं पर भारत निर्वाचन आयोग को जानकारी दी। सभी 51 स्ट्रांग रूम पर 1800 कैमरे लगाए गए, ताकि किसी किस्म की गड़बड़ी ना हो। इस सीजन में मई माह में अभी तक अपेक्षाकृत गर्मी नहीं पड़ी है, लेकिन मंगलवार से सूरज एक बार फिर तमतमाया और पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ी। इसी क्रम के खरगोन, खंडवा, होशंगाबाद, खजुराहो और दमोह में लू चल रही है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री से अधिक रहा। साथ ही ये इस सीजन का सबसे अधिक का तापमान भी रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बीते 24 घंटे में 26 स्थानों पर तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। इसके तहत खरगोन में 46, नौगांव, दमोह, खजुराहो, होशंगाबाद में 45, सीधी, मंडला, उमरिया, भोपाल, रायसेन, शाहजहांपुर, राजगढ़, जबलपुर में 44, ग्वालियर, बैतूल, टीकमगढ़, गुना, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और धार में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सर, कल से ज़्यादा आज तापमान ज़्यादा है, लोग बाग परेशान बहुत है गर्मी के वजह से। यही आपको मेरी विनती है, और गर्मी से बहुत नुकसान हो रहा है सर, बीमार पड़ रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, घबराहट हो रही है सर, राहत नहीं मिल रही है सर इससे। भाई साहब, गर्मी इतनी तेज़ पड़ गई है अभी 3-4 दिनों से कि मतलब घर में से इंसान निकल नहीं पा रहे हैं, निकल रहे हैं तो लू लपेट लग रही है, इंसान बीमार हो रहा है, अस्पताल में जा जाके परेशान हो रहा है। और क्या है कि पेड़ पौधे कटने की वजह गर्मियाँ ज़्यादा फैल रही है, पानी गिर नहीं रहा है, और तालाब नदी सब सूखे हैं, पानी पीने का नहीं मिल रहा है, पानी सूखने के कारण बहुत परेशानी हो रही है।
वरिष्ठ मौसम विज्ञानी उदय सरवटे ने बताया कि मई मध्य के बाद सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं। इस वजह से सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ने लगती हैं और गर्मी बढ़ जाती है। इस बार मई माह में वातावरण में नमी के कारण कई स्थानों पर गरज चमक की स्थिति बनने और बादलों के कारण अभी तक दिन के अधिकतम तापमान में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी नहीं हो सकी थी। सरवटे के मुताबिक दो दिन बाद मौसम के मिजाज में फिर बदलाव आने की संभावना है। इसके तहत प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में गरज चमक की स्थिति बन सकती है। इससे दिन के तापमान में गिरावट होने के आसार बनेंगे। जिन इलाकों में तेज गर्मी है वहां भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में तापमान ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है भोपाल का। ये हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि गर्मी से किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? आप तो स्टूडेंट हैं जी। मुश्किलें तो बहुत है। अभी देखिए हम लोग को कॉलेज पेपर चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, गर्मी इतनी बढ़ रही है ग्लोबिंग वार्मिंग जो भी है उसके कारण टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर से क्या है, पेड़ों की कटाई हो रही है। अगर एक या चार पेड़ काटते हैं तो आप यहीं पे देख सकते हैं खाता पूर्ति करने के लिए ऐसे पेड़ लगा दिए जाते हैं। अगर हम एक पेड़ काटते हैं उसके बदले 10 स्ट्रांग, मतलब सिर्फ वही खाता पूर्ति ना करे, इन्वायरमेंट का ख्याल रखे, पानी का भी देखिए कि अभी पूरे मतलब वर्ल्ड में आप देख सकते हो पानी कितनी बची है। गर्मी तो काफ़ी, हम जैसे स्टूडेंट्स को जो इनको रेगुलर निकलना है, मतलब ना तो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद निकलना भी है, पेपर होते हैं तो बसेस भी टाइमली निकलती है, पेपर पहले ख़त्म हो जाते हैं। अभी देखो हम लोग ऐसे ही ट्रैवल करके जाते हैं बिना लिफ्ट के, ऑटो वगैरह वाले भी अभी उतना नहीं हो पाता है। तो गर्मी तो बहुत मुश्किल सामना तो करना पड़ता है, लेकिन इसको कम करने के लिए हमें सरकार को, गवर्नमेंट को, हर सबको मिलकर एक कदम उठाना चाहिए ताकि हम इसे कैसे थोड़ा जिसे राहत मिल सके। स्टूडेंट का साफ कहना है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय उनको वाहन भी नहीं मिलते जिनसे वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच पाएँ। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का बोलना है कि अभी 2-3 दिन तक गर्मी और बढ़ने की संभावना है। 25 तारीख से नौतपा चालू हो रहा है, नौतपे के बाद ही जनता को राहत मिलेगी। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज़। ग्वालियर चंबल इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है। दिन के साथ रात में भी गर्म हवाएं चल रही है, लेकिन बीती रात मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इस कारण लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। ग्वालियर में भीषण गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही थी कि बीती शाम वहां अचानक तेज हवाएं चलने लगी और रात होते होते बिजली की चमक के साथ ही तेज बारिश हुई। तेज आंधी से लोगों में कुछ समय तक दहशत का माहौल बना रहा। इस दौरान कई इलाकों में पेड़ गिरने और होर्डिंग पोस्टर उड़ने की बात भी सामने आई। आंधी और बारिश के कारण कई इलाकों की बिजली गुल हो गई और शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन लोगों को तेज गर्मी से फिलहाल थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो के मंगतेश्वर मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मंदिर के बाहर लगा पीपल का पेड़ अचानक टूट कर गिर गया। पेड़ टूटने से मंदिर में आए 3 श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गए, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पर्यटकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खजुराहो के मंगतेश्वर मंदिर के बाहर लगे एक पीपल के पेड़ के गिर जाने से 3 पर्यटकों को गंभीर चोट आई है। पर्यटकों की हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पेड़ के नीचे बैठे लोगों के ऊपर पेड़ गिर गया, जिसके बाद नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया। पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे और मंदिरों को संरक्षण देने वाले भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से बात की। विधायक ने घायलों का बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए। अरे वो धीरे धीरे आया तो हम पत्थर बना रहे थे, उस पर एकदम गिर पड़ा था, दब गए हम, लोग हो गए थे घायल, 5-4। ये पुराना दरख्त जो पीपल का है यहाँ पे, इसकी बड़ी डाल जो मंदिर तरफ को थी वो अचानक टूट गई और वो गिरी तो उसमें 3 लोग चप गए, 3 की हालत गंभीर है। तो ऐसे पेड़ों की छटाई जरूरी होना चाहिए समय समय पे। जो डालें ऐसी दिखती हैं कि जो बाहर को प्रोजेक्ट कर रही हैं और वो समय रहते पट के गिर सकती हैं, उनकी छटाई होना आवश्यक। छत्तीसगढ़ की बीजापुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब 3 लाख के इनामी नक्सली समेत 7 नक्सलियों ने पुलिस के सामने भरमार बंदूक सहित आत्मसमर्पण कर दिया। इन नक्सलियों की पुलिस को लंबे अरसे से तलाश थी। बीजापुर पुलिस को नक्सलवादियों के आत्मसमर्पण मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस के मुताबिक 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
सरेंडर किए हुए नक्सलियों में 3 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने भरमार बंदूकों के साथ आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों ने DIG CRPF बीजापुर SP गोवर्धन ठाकुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद नक्सलियों को प्रोत्साहन के रूप में 10-10 हजार रुपए नगद राशि प्रदान की गई। आत्मसमर्पण करने आए नक्सलियों से नक्सल गतिविधियों की अहम जानकारी बीजापुर पुलिस को मिल सकती है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सली जीवन शैली से त्रस्त होकर तथा नक्सलियों की खोखली विचारधारा से परेशान होकर 7 नक्सलियों ने नक्सलवाद छोड़ने का फैसला किया। गौरतलब है कि नक्सली लगातार मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पिछली बार एक महिला नक्सली ने पुलिस के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया था। मैं SP साहब और उनकी टीम को बधाई देता हूं। इनके प्रयासों से आज 7 नक्सली यहां पर सरेंडर कर रहे हैं। ये सारे अगर नक्सल भाषा में देखें तो नेशनल पार्क एरिया के हैं, बोदली गांव से हैं मैक्सिमम, तो ये मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है बीजापुर के SP साहब की और उनकी टीम की कि 7 युवाओं को मुख्य धारा में लाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से SP साहब की टीम काम करती रहेगी। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों अवधपुरी में मासूम बच्चे को आवारा कुत्तों ने मार डाला था। लोग उस घटना को भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर आवारा कुत्तों ने एक मासूम सहित 5 लोगों को अपना निशाना बनाया है। जैसे तैसे लोगों ने आवारा कुत्ते के झुंड से मासूम की जान बचाई। ये कुत्ते भोपाल में रोज 2 दर्जन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा है। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। आए दिन आवारा कुत्तों का झुंड शहर वासियों को घेर लेता है। कुछ ही दिन हुए हैं जब आवारा कुत्तों ने एक मासूम को अपना निशाना बनाया था। अब एक बार फिर शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों के झुंड ने गिन्नौरी क्षेत्र में 1.5 साल की मासूम बच्ची साहूरा सहित 0.5 दर्जन लोगों पर हमला कर दिया। मासूम के गाल और पीठ पर दांत के गहरे जख्म दे दिए। परिजनों ने बताया कि साहूरा शाम को अपने भाई के साथ चॉकलेट लेने गई थी। जैसे ही वह दरवाजे के पास आई, कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर लोगों ने कुत्तों को किसी तरह से भगाया और बच्ची की जान बचाई। बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। मासूम को काटने के बाद गुस्साई भीड़ ने कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। कुत्तों के काटने की बढ़ रही घटनाओं से कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन सवालों के घेरे में आ जाता है। आंकड़ों की माने तो लगभग 24 लोग प्रतिदिन कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। ऐसा लगता है प्रशासन को शहर वासियों की परवाह ही नहीं है। आपको कुत्ते ने काटा है, किस वक्त काटा है ये? 4 बजे। तो आपने इंजेक्शन वगैरह लिया? जी। ये नगर निगम वाले आते हैं या नहीं आते? जिस तरीके से देखती हैं आप, अति अमला आना चाहिए। आते हैं, बस एक आध दो पकड़ते हैं और चले जाते हैं, आते ही नहीं है फिर दोबारा। छतरपुर में सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। यह हादसा टैक्सी और पिकअप वाहन के टकराने से हुआ। तेज रफ्तार पिकअप वाहन और टैक्सी की भिड़ंत में 1 व्यक्ति की जान चली गई और 10 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब सिविल लाइन्स थाने के पुंछी गांव से कुछ लोग टैक्सी से बस स्टैंड जा रहे थे। तभी पीताम्बरा मंदिर के पास सामने से आ रही पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टैक्सी पलट गई और उसमें सवार 1 की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मेरा मायका है पुंछी दालान, तो मैं पुंछी से जा रही थी भोपाल ससुराल, तो एक ऑटो, पता नहीं ऑटो है कि गाड़ी, ध्यान नहीं आया, इतना धुंधला धुंधला दिख रहा था, आया और टक्कर मार के सीधा चला गया है। हम ऑटो पे थे और ऑटो पलटी हो गया। भोपाल जा रहे थे तो आते समय एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी सामने से, पिकअप थी 260। अच्छा, सामने से आकर सामने से टक्कर। कितने लोग घायल हुए, कितने लोग थे? करीब करीब 10 लोग, 10 ही घायल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश की सीमाओं का निगह बान रिसेट 2B सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, जो कुछ ही घंटों बाद अपने ऑर्बिट में भी पहुंच गया है। इसरो के इस लॉन्च के लिए मंगलवार से ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और बुधवार सुबह 5:30 बजे इसरो के भरोसेमंदल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-46 की मदद से रिसेट 2B को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया। अपने साथ ये 615 किलो का वजन लेकर गया है और जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो अंतरिक्ष में भारत की आंख बनेगा। ये सैटेलाइट खुफिया निगरानी, कृषि, वन और आपदा प्रबंध जैसी चीजों में मदद करेगा। मिशन सफल होने के बाद इसरो के चेयरमैन
के सीवान ने कहा कि देश के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण मिशन है। ये बेहतरीन सैटेलाइट है जिसमें हाईफाई अर्थ ऑब्जर्वेशन की क्षमता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है जो धरती की दिन और रात के अलावा खराब मौसम में भी तस्वीरें ले सकता है। इस मिशन की उम्र 5 साल है। इस सैटेलाइट का उपयोग सैन्य सर्विलांस के लिए भी किया जाएगा। भारत द्वारा इसके पहले 2009 में लॉन्च किए गए RESET-2B का उपयोग सीमा पर मौजूद आतंकी अड्डों और पाक सीमा की निगरानी करने के लिए भी किया गया। इसरो का यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में रहते हुए मौसम खराब होने के बावजूद दुश्मन की टोह लेता रहेगा। इसकी मदद से न सिर्फ आपदाओं से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि कृषि वन संपदा के क्षेत्र में भी मदद मिलेगी। साथ ही RESET-2B सैटेलाइट का इस्तेमाल किसी भी तरह के मौसम में टोही गतिविधियों रणनीतिक निगरानियों के लिए किया जा सकेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। अब आपके लिए भैरन समाचार जो सुनाएंगे जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई जरा टीवी से है ना, इधर आ जाओ। एग्जिट पुल बहुत देख लिया, वो तो लपक के NDA के पक्ष में आया हुआ बता रहा हूँ। ऐसा अभी मोदी जी तपस्या करने गए थे, उसका फल मिल गया इतनी जल्दी, और डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई भोले बाबा के यहाँ, बता रहा हूँ। ये तो चल लिया है। और इस पे जो चंद्रबाबु नायडू हैं वो है ना, पूरे विपक्ष को ये करने में लगे हुए हैं। ये छुक छुक करके रेल बना रहे हैं। कभी राहुल से मिलते हैं, कभी उससे मिलते हैं, कभी अखिलेश से मिलते हैं। और मैं बता रहा हूँ, रेल तो बन जाएगी इनकी। इंजन तो कहाँ से लाओगे? इंजन तो लाओ भैया। हाँ, ये तो ये जो एग्जिट पोल है, इंजन दिख नहीं रहा मेरे को इसमें। हाँ, और कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में इनको 20 से 22 सीटें मिलने वाली हैं। इस पर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं ठीक है मिल जाएंगी, लेकिन ये कमलनाथ भी 20-22 दिन के मुख्यमंत्री बचे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है। हाँ, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये कह रहे हैं कि सिद्धू है ना CM बनना चाहते हैं। और मैं बता रहा हूँ, सिद्धू जाने क्या क्या बनना चाहते हैं। ये कॉमेडी सर्कल से जब से निकले हैं, इनको राजनीति में कॉमेडी लग रही है, बता रही हूँ। ये राजनीति बहुत ही गंभीर चीज़ है भाई। कुछ भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, कभी इसको देशद्रोही बोल रहे हैं, कभी इसको। इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। इनका ऑपरेशन वगैरह करवाओ, दिखवाओ अंदर इनके दिल में है क्या, चल क्या रहा है, बता रही हूँ। हाँ, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सुझाव दे रहे हैं कि चुनाव इन्हें 2-3 चरणों में होने चाहिए। ये तो अच्छी बात है। वो कह रहे हैं लेकिन फरवरी मार्च में होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ, फरवरी मार्च में अगर होंगे तो बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दो। बेचारे बच्चे, पढ़ाई का टाइम रहता है उस समय, पढ़ाई कब करेंगे? ये तो चल रहा है। और मैं बता रही हूँ, अभी 2-3 दिन में ये खबर आई है कि टेम्परेचर बढ़ने वाला है। और मैं बता रही हूँ, 23 तारीख को तो ये ऐसा टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ़ के भाव बढ़ने वाले हैं। बर्फ़ की सिल्लियाँ ले लेके बैठेंगे नेता लोग, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये तो चल रहा है। हाँ, और ये खबर देखो, पाकिस्तान में ये खबर देखो, पाकिस्तान में कितनी महंगाई बढ़ गई है। 400 रुपये किलो है ना वहाँ सेब मिलना है, और 360 रुपये किलो संतरे। और हमसे दुश्मनी बोल ले लो, बता रहे हो, प्रेम से रहो तो सब कुछ अच्छा चलेगा। गरीबी में आटा गीला हो रही है। हाँ, और ये खबर इधर पे देख लो, जापान में है ना बुजुर्गों को, है ना 75 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको विवाहों की तरह नौकरियाँ दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, बताओ उनको जीवन जीने की एक प्रेरणा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ तो ये जैसे रिटायर हुआ आदमी उसको ये किसी काम का नहीं समझते, बता रहे हो, ये तो चल रहा है। और ये खबर अभी अभी आई है मेरे पास, प्रज्ञा भारती मौन व्रत कर रही हैं। मुझे लगता है इन्हें बहुत देर कर दी मौन व्रत करने, पहले ही से शुरू हो जाती तो अच्छा रहता। ये सब झगड़े जाते हैं, लफड़े अपड़े जो शुरू हुए हैं, जो इनके स्टेटमेंट आए कंट्रोवर्शियल, वो नहीं होते। मौन व्रत तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है मैंने भी है ना बहुत बक लिया, मैं भी जा रहा हूँ मौन व्रत करने। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।